बिग बॉस का ओटीटी खत्म होने के बाद अब नया वाला वर्जन यानी कि सलमान खान वाला वर्जन, और जहां सलमान खान होते हैं वहां थोड़ा मूडी जोन होता है, वहां पे थोड़ा बातों का एक्शन होता है और क्विक रिएक्शन होता है, यानी कि सलमान खान वाला बिग बॉस 18 की शुरुआत हो चुका है, यानी कि शुरुआत के साथ साथ अप्रोच वाला भी काम अब चालू हो चुका है, यानी कि बिग बॉस के मेकर सभी लोगों के पास पहुँचने चालू हो चुके हैं और सभी को पटाने में लगे हुए हैं। पटाने के इन द सेंस कि भैया पैसा कितना लोगे, रोकड़ा कितना लोगे, थोड़ा ज्यादा मत लो, थोड़ा कम लो, हमारे पास बजट ही इतना है, हम इतना ही देंगे, और अगर थोड़ा पैसा कम लीजिएगा तो हम आपको गाना दिला देंगे, हो सकता है आपको फिल्म भी दिला देंगे, और हो सके तो आपको दो चार वो एड कैंपेनिंग भी कर देंगे, बाकी मीडिया मैनेजमेंट तो आपके पास है ही, पीआर पूरा आपका मैनेज कर देंगे, यानी कि सेलिब्रिटी को फायदा ही फायदा बिग बॉस गिनवा देता है। और ऐसे में अप्रोच की स्थिति चालू हो चुका है, तो भाई बिग बॉस के मेकर भी चाहेंगे कि एक बार फिर से कंटेस्टेंट की लंबी चौड़ी लिस्ट हो और भाई भीड़ लगे, और जब भीड़ लगेगी तो सलमान खान आएंगे, और सलमान खान जब अपने सैटरडे नाइट में आएंगे तो भाई तहलका मचेगी, यानी कि टीआरपी का लेवल ग्राफ होगा। और उसी में से एक नया नाम आ रहा है भाई, बॉलीवुड में कम फिल्मों में नजर आई है लेकिन जितने भी फिल्मों में नजर आई है चर्चा का विषय बनी है, यानी कि समीरा रेड्डी। जी हाँ, और ऐसी खबरें आ रही है यानी कि बॉलीवुड के गलियारों में और बिग बॉस की जो गलियारे हैं उससे खबर निकल के सामने आ रही है कि समीरा रेड्डी को बिग बॉस के जो स्टाफ हैं, जो मेकर्स हैं, वो पहुंच चुके हैं समीरा रेड्डी के पास और उन्हें मनाने की कोशिश किया जा रहा है कि समीरा जी थोड़े कम पैसे लीजिए पर आप आ जाइए और बैठ जाइए हमारे बिग बॉस वाले कार्यक्रम में, और तभी तो मसाला होगा क्योंकि ग्लैमरस लुक है आपका, फैन फॉलोइंग बेस है, एक बार फिर से पीआर पे काम कर देंगे और आपको फिर से फिल्में उल्में मिलने चालू हो जाएंगे, गाने वाने ऐड वैड चालू हो जाएंगे। अब देखना है कि वाक्य में ही आएंगी या नहीं आएगी तो बाद में पता चलेगी, लेकिन भाई ओटीटी से कौन कौन आएगा, भाई आएंगे लव कटारिया जी आएंगे या फिर सारे लोग, कृतिका मलिक ये सब वगैरह सब आएंगे क्या, लेकिन चांसेस कम लग रहे हैं, इन लोगों को मत लाओ यार, 18 के 18 कंटेस्टेंट्स अले को लाओ। अब सूरी जी आएंगे या नहीं आएंगे क्योंकि उनके पास फिल्में तो अब चालू हो चुकी है यार, अब हो सकता है अभी जाए न भी जाए वो अलग बात होगी, लेकिन फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई बिग बॉस 18 में ओटीटी वाले एक भी वर्जन को मत लाओ, वो बस वहीं तक, उन लोगों को झेल लिया खत्म भाई, उन लोगों को साइड कर दो, जो हार गया जीत गया खत्म करो कहानी। बिग बॉस 18 में 18 चेहरे लेके आओ, 18-20 जितने भी चेहरे आपके हैं भाई उतने भरो नए वाले चेहरों, और एकदम द्वंद्व वाले, एकदम दिगड़ दिगड़ वाले, और थोड़ा अट्रैक्टिव वाले लेके आओ, थोड़ा एग्रेसिव वाले, डॉली बिंद्रा की तरह लेके आओ, कुछ ऐसा तड़कता भड़क तरीका। फिलहाल कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।